आइए अब हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर से मिरर को बनाएंगे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े मजेदार तरीके से हम लोग समझेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल ग्लास लेंगे। आइए, एक हमने क्या किया, स्फेरिकल ग्लास लिया। अब ये मत कहेगा सर आपकी आप सही से स्फीयर नहीं बना पाए, ठीक है आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया। स्फीयर मेरा कैसा है, स्फीयर मेरा क्या है, ग्लास का बना हुआ है। और अब इसे हम चल रहे काटने, ध्यान से देखिए मैं इसको काटता हूँ। यहां से इसको मैंने क्या किया, ब्लेड लिया पूरा एकदम बढ़िया से, इसको यहां से ये काट दिया, काट दिया। अब देखिए थोड़ा सा कि जो हमने इसको काटा है ना, देखिए हमने यहां से इसको काटा था और यहां पे देखिए तो एक पोर्शन हमारा ये है, एक पोर्शन हमारा ये है। मैथ में आपने हेमिस्फीयर पढ़ा था, हमने स्फीयर लिया, स्फीयर को काट दिया। अब आप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो इसका ये आधा वाला पोर्शन, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, मतलब इसको काट के अलग कर दिया, इसको यहां से दूर कर दिया, दूर कर दिया, इसे थोड़ा सा और कम कर दिया मैंने, इसे थोड़ा सा और दूर कर दिया। अब देखिए ये था और एक्चुअल में क्या था, कुछ हमारा ऐसे ही सर्किल थी, जो हमारा स्फीयर था कुछ ऐसे ही था जब हम लोगों ने इसके पहले काटा नहीं था। ठीक, अब देखना है कि जो हमारा ये ग्लास मिला है ना, इस ग्लास के एक साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया, मतलब क्या किया मैंने, स्फीयर लिया, स्फीयर को काट दिया, काट के एक साइड को ग्लास वो पॉलिश कर दिया। जैसे हमने इसको पॉलिश किया, अब क्या हो गया, ये हमारा मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा, शो करेगा कि नहीं। हमने क्या किया था, इसके पहले जब हम लोग जब प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने क्या किया था, एक आराम से ग्लास लेकर के साइड को पॉलिश किया था, वही काम हमने यहां पे किया था। बस थोड़ा सा ये क्या है, कर्व्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर को। अब क्या होगा, जब हमारा ये कि चूंकि स्फीयर का एक पार्ट है, अगर हमारा पूरा अगर स्फीयर रहा होता तो यही कहीं स्फीयर का सेंटर रहा होता ना, यही कहीं स्फीयर का सेंटर होता है, तो इसी को जो हमारा सेंटर होता, ये हमारा ऐसे सेंटर रहा होता, तो जो हमारा ये होता है, जो हमारे ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, बोलते हैं। और इस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस था याद है ना आपको, जो रेडियस हुआ करता था, वो क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये पॉइंट हमारा होता है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या हो गया, ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है हमारी, जो रेडियस है इसकी, हो गई। और इस पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं, जिस पॉइंट पे टच कराते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अच्छा, अब क्या होता है, ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, आपसे एक स्फीयर लिया, स्फीयर को काट दिया और हो गया। अब देखते हैं, हमारा पोल हम लोग समझ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए। अब हम लोग इसके बाद क्या जानेंगे कि यहीं पे जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, और जो हमारा ये पोल होता है, मींस हमारे स्फीयर का सेंटर जो था और जो हमारा ये पोल था, मतलब जिस पॉइंट पे ये हमारे स्फीयर का टच करा है, इसके बीच में एक जो एकदम बीच में एकदम एक पोजिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। हालांकि मैं अभी आपको अलग अलग बताऊंगा, दोनों में आपको अलग अलग बताऊंगा, क्यों अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके होता है। एक देखिए क्या हो गया, जब हमने इसको यहाँ से काटा था तो एक तो हमारा साइड ये वाला है जहां हमने इधर से पॉलिश किया, और ये कि ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाले को भी क्या करना है, अभी इसके मैं दूसरे साइड को पॉलिश करने चल रहा हूं। आइए देखिए कैसे मैं पॉलिश करता हूं, देखते हैं, बस देखते रहेगा, हम लोग पूरा समझ लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आज हम लोग एकदम आराम से स्फेरिकल मिरर को समझ लेते हैं। अब क्या होता है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल मिरर का, स्फीयर को काट के मिरर बनाना स्फेरिकल मिरर होता है। होता क्या है, दो प्रकार का होता है, पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉनवेक्स। पहला होता है हमारा कॉनकेव बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कॉनवेक्स। कॉनकेव क्या होता है, अरे भाई अभी हमने क्या बनाया था, ये जो बनाया था ना मैं, ये क्या था एक्चुअली, इसको अगर कंप्लीट करते तो सर्कल बनता, और ये जो हमारा है, ये है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव। और यहां हमारा ये क्या है, ये है हमारा कॉनवेक्स। दोनों मंत्र देखिएगा, वहां पे हमने क्या किया था, स्पीयर के इनर साइड को वो पॉलिश करा है, और यहां पे क्या किया हमने, आउटर साइड को पॉलिश किया है, और यहां पे इनर साइड को पॉलिश किया है। ये हमारा है कॉनवेक्स मिरर, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर कैसे याद रखेंगे कौन सा कॉनकेव है तो कौन सा कॉनवेक्स है, तो ये बताता हूं मैं आपको आज यूनिक ट्रिक।
हाँ, जब यूनिक ऑनलाइन गुरु में तो कुछ यूनिक भी तो मिलनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जब इधर से आप जब देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि एक गुफा सा बन रहा था। ध्यान से देखिएगा, लग रहा ना कि गुफा है, गुफा गुफा, केव केव केव, केव मीन्स गुफा। तो जब गुफा इनवर्ड होगा तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर हमारा होगा, और जब आउटवर्ड से देखेंगे तो क्या होगा हमारा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जहां पे केव फॉर्म, जहां पे एक गुफा की तरह बन रहा है, एक केव बन रहा है, वो हमारा है कॉनकेव मिरर, और जहां पे हमें एक्सटर्नल साइड है, आउटर साइड, वो हमारा है कॉन्वेक्स। बात समझ में आई? अच्छा, हमने आपको थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि जो हमारा इसका सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस पॉइंट पे टच करता है इसे बोलते हैं पोल, इसे पोल बोलते हैं, बोलते हैं। और जो हमारा ये डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, चूंकि ये स्फीयर के इनवर्ड का पार्ट था और ये क्या एक्सटर्नल पार्ट था, वही सेम चीजें यहाँ पे भी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा मिरर है उसके इनसाइड, और यही चीजें क्या होगी यहाँ पे आउटसाइड होगी, यही चीजें यहाँ पे क्या होंगी आउटसाइड होंगी हमारी। यहाँ पे हमारा हो गया, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये हमारा डिस्टेंस क्या था आर था, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बातें दोनों सेम है, समझते रहेगा साथ में, लेकिन करना क्या, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड हमारा है, और यहाँ पे क्या है आउटवर्ड है। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है वो क्या है, हमारे मिरर के जो होता है, जैसे जो स्पीयर के इनसाइड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आउटसाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पॉज कर दा, देखिए अब क्या होता है, हमने क्या जान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिया, पोल जान लिया, दोनों में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्ड है, वहाँ पे आउटवर्ड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होगा वो रियल फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा। क्यों वर्चुअल फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इनवर्ड है, यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, रिफ्लेक्टिंग जो सर्फेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इनवर्ड है, और यहां पे हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। इतनी बात समझ ली, यहां पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, यहां पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इसलिए यहां पे जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और अभी मैंने आपको बताया है ना कि जो पोल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसी के जस्ट एकदम बीच में क्या होता है, फोकस होता है, इसी के जस्ट बीच में क्या होता है, एकदम फोकस होता है, जस्ट मिडल, जितना डिस्टेंस ये होगा एकदम सेम डिस्टेंस उतना ही ये होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है। हालांकि फोकस की अगर हम लोग बात करें, सर फोकस कैसे, यहाँ पे आप क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये जान लीजिए जब कोई भी इनफाइनाइट रेज ढेर सारी आती है, जिस पॉइंट पे वो सेंट्रलाइज होती है उसे बोलते हैं फोकस। जैसे मान लीजिए कोई सनबीम आ रही है, सनबीम क्या किया, आपने कोई मिरर ले लिया, स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, और जहां पे वो सेंट्रलाइज होगा वो क्या होगा, उसका फोकस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट ये दोनों के एकदम बीच में होता है, मिडल में होता है। तो जो यहाँ पे फोकस होता है ना वो क्या होता है, रियल होता है, मीन्स कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रियल फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हम लोग क्या समझ लिए, फोकस समझ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिए, हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिए, पोल समझ लिए। इसी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ नियम कानून होते हैं जैसे इमेज फॉर्मेशन के, कुछ आपको मैं ला बताऊंगा, थोड़ा मोटा छोटे मोटे नियम है जिसमें क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। आइए, इमेज फॉर्मेशन वाला जो हमने बात करी थी आपसे, हम लोग अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखिए, जब इमेज फॉर्म होगी, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ तो उसके नियम होंगे, तो हम लोग कुछ नियम पे बात करेंगे। दो तीन रूल हैं, आसान आसान है, जो प्रैक्टिकली आपको पता है, बस थोड़ा सा मैं, अब चूंकि सिलेबस में है तो इसलिए मैं दो मिनट डिस्कस कर ले रहा हूँ। होता क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, हमने देखा क्या किया, इसका जो आउटवर्ड सरफेस था इसको हमने क्या किया, कोटेड कर दिया, इसको हमने पॉलिश्ड कर दिया, ठीक। और हमारा यहाँ पे क्या था, आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ हमारा है पोल, एकदम जस्ट मिडल में हमारा होता है फोकस, ये हमारा है
सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे भी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, इसे को बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और ये पोल है और ये फोकस है। अब देखिए जो पहला नियम हमारा है, जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो पहले नियम की बात करते हैं, हमारा पहला नियम क्या है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से एकदम समझिएगा मेरी बात को, एकदम आराम से सुनिएगा, ना आपको लिखना है ना पढ़ना, बस आपको सुनना है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपसे, और मेरी गारंटी है कि आपको पूरा तुरंत तैयार होने वाला है। कोई भी अगर बीम ऑफ लाइट अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की, ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई हमारा रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, इन मींस आ रहा है इनफाइनाइट से आ रहा है, तो जैसे ही ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, मतलब जैसे हमारा सरफेस पे पहुँचेगा, जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है, और इससे होने के बाद तुरंत ये कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। बस ये हमारा है पहला रूल, रूल मतलब क्या है, ये रूल वन है, ये पहला रूल। पहला रूल क्या है फिर से देखते हैं एक बार, अगर कोई लाइट की बीम, यदि हमारी कोई लाइट की बीम हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये बात समझ में आ गई, 100% बात समझ में आ गई, ये हमारा पहला रूल था। आइए देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल हमारा ये है, ये पहला रूल है, दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी हमारी लाइट की रे फोकस से पास होगी, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या देखते हैं, एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, हाँ इसको मिटा के मैं दूसरा ही बनाता हूँ, तो ऐसा समझने में आसानी होगी ना। देखते हैं ये, इसे को इतना मिटा देता हूँ, दूसरा केस देखते हैं। कुल तीन केस हैं, एकदम आराम से हम लोग चार केस है तुरंत आराम से समझ लेंगे। देखते हैं फिर से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, और अब हमने क्या किया था, इसके पहले हमने पैरेलल ड्रा करी थी, अब मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। अब कोई भी अगर रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करेगी, ये देखिए रे ऑफ लाइट थी जो फोकस से पास करी, यहाँ पे टच होने के बाद, मतलब जो पॉइंट ऑफ हमारा इंसिडेंस था, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। दो बातें हम लोग समझ लिए, मीन्स कि पहली बात हमने क्या समझा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्या होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, और दूसरी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट हमारा, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, अगर हमारा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो वो जहां से गई थी एकदम सेम अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो वो क्या होगी, उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। और चौथी और आखिरी बात, अगर कोई भी लाइट हमारी जो है एकदम डायरेक्टली उस पर पड़ती है, तो जो एंगल वहां पे बनाएगी वो इंसिडेंस करेगी, वही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन का भी होगा। यहाँ पे जो आई होगा ये क्या होगा, आर के बराबर होगा, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमने चार बातें समझ लिया, ये चारों रूल आपको याद रखने हैं, तभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। पहला मैंने क्या बताया, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और अगर कोई फोकस से पास करेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो उसी पाथवे पे वापस आएगा। और चौथी बात, अगर कोई डायरेक्ट इंसिडेंस कर रहा है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे कॉनकेव मिरर की तरफ चलेंगे, और हम लोग वहां के सारे केसेस स्टडी करेंगे।